माननीय बहनों भाइयों नमस्कार। ग्रहवाणी चैनल को देखने वाले आप सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, हाजिर हूं मेष राशि का मार्च 2020 का भविष्यफल लेकर के, राशिफल लेकर के। अगर आप मेष लग्न के हैं या मेष राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, कुछ अच्छी चीजें आपको मिलेंगी जरूर। बहनों भाइयों, आपकी राशि है मेष। मेष राशि वालों के कुछ विशिष्ट गुण भी होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। मेष राशि का व्यक्ति जो होता है एनर्जेटिक होता है, ऊर्जावान होता है, किसी भी काम को करने की क्षमता होती है, ऐसी शारीरिक शक्ति होती है, लगनशील होता है। जिस चीज की लगन लग जाए उसको हर हालत में पाना चाहता है, ये अच्छे गुण है। साहस होता है। कुछ कमियां है वो मैं बता दूं, उस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों में धीरज की कमी होती है, धैर्य नहीं होता है, तत्काल अपनी योजनाओं को कार्य रूप में परिणित करते हैं, बगैर कुछ सोचे बगैर कुछ समझे। धीरता का वर्णन करें, धैर्य से निर्णय लें और फिर काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। एक और भी आपके अंदर कमी है, वो भी मैं आपको बता दूं। आपकी राशि के जातक क्रोधी बहुत होते हैं, क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता आप लोगों, क्रोध पर कुछ भी करने कर गुजरने का आपके अंदर ताकत है, आप कुछ भी कर गुजरते हैं अगर क्रोध में आ गए। अब ये मार्च का महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, तो आपकी राशि का स्वामी मंगल ये बैठा हुआ है नवम भाव में, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, योजनाएं पूरी होंगी। अष्टमेश होकर के भी बैठा हुआ है नवम भाव में तो क्रोध भी होगा, क्रोध में आप अपने काम बिगाड़ भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। पारिवारिक मन मुटाव ना आने दीजिएगा, इस चीज का भी ध्यान रखिए आप, पारिवारिक मन मुटाव से बचाइए अपने आप। इस महीने आपके अच्छे संबंध बन सकते हैं, अच्छे विद्वानों से संबंध बन सकते हैं, योग्य व्यक्तियों से संबंध बन सकते हैं और उच्च अधिकारियों से भी अच्छे संबंध बन सकते हैं। नौकरी अगर आप करते हैं तो नौकरी में आपके उच्च अधिकारियों को का आपको पूरा सहयोग मिलेगा इस महीने, और उन उच्च अधिकारियों की मदद से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। ऐसे लोगों की मदद से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। राज्य पक्ष से पूर्ण लाभ मिलने के योग हैं। माता के सुख में कमी महसूस हो सकती है। इस माह मेरा परामर्श यह रहेगा कि परनिंदा से इस महीने अपने आप को बचाएं, नास्तिकता से बचाएं, क्रोध से बचाएं, परिजनों से मनमुटाव की भावना ना आने दें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। वात विकारों के प्रति सतर्क रहें। व्यापारियों को अच्छे लाभ मिलेंगे, कलाकारों को अच्छे लाभ मिलेंगे, कला के क्षेत्र में है तो अच्छे लाभ मिलेंगे। नकारात्मक चीजों से अपने आप को बचाइएगा, नकारात्मक सोच से बचाइएगा। चरित्र भी आदर्श रखिए, चरित्र में भी ढीलापन मत आने दीजिए। आपके गुप्त शत्रु भी हैं जो आपको बिगाड़ना चाहते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखिए। तो किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास बिल्कुल मत करिए, और इस महीने तो विशेष ना करिए। इस महीने विद्या बुद्धि प्रतियोगी परीक्षा और संतान पक्ष, इनका सबका आपको लाभ मिलेगा।
प्रेम संबंधों की नई परिभाषा गढ़ सकते हैं इस महीने आप। लेखन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, तो अच्छी पत्रकारिता और अच्छा नाम आप इस महीने कमा सकते हैं। गायन वादन से जुड़े लोग हैं, उनको भी इस महीने सफलता मिलेगी। 13 मार्च के बाद सूर्य की द्वादश स्थिति, जो विदेश यात्रा के इच्छुक हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन अन्य मामलों में कमजोर हो जाएगी। अन्य मामलों में जैसे विद्या बुद्धि संतान के मामलों में, स्वास्थ्य के मामले में कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी। अगर आप बीपी के रोगी हैं, हृदय के रोगी हैं, तो विशेष सावधानी की आवश्यकता रहेगी। सूर्य के नकारात्मक परिणामों से बचाने के लिए 13 मार्च के बाद आपको सूर्य के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम गणेश सूर्याय नमः मंत्र का जप जरूर करें, सूर्य को जल दें। सरदर्द की शिकायत है, बीपी की शिकायत है, हृदय विकार की शिकायत है, तो बहुत सतर्कता की आवश्यकता रहेगी। और इस अवधि में अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। इस माह मैं बताऊं तो आपको धार्मिक कार्यों में लगे रहना चाहिए, इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपकी मानसिक शांति भी रहेगी, आपका पराक्रम, आपकी मेहनत सफल होगी और विद्या बुद्धि प्रतियोगी परीक्षा इनमें सब में आपको सफलता मिल सकती है। इस माह आत्मबल आपका प्रबलता से बना रहेगा, खासतौर पर जो पिछले 13 फरवरी से लेकर के 13 मार्च के बीच की अवधि में, इसमें आपका आत्मबल प्रबल रहेगा। समाज में अच्छा नेतृत्व आप कर सकते हैं और राजनीति में अगर हैं तो इस 13 फरवरी से लेकर के जो 13 मार्च की अवधि है, इसमें आपको राजनीति में विशेष उपलब्धियां हो सकती हैं, विशेष उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं, राजनीति में एक अपना नाम स्थापित कर सकते हैं। मेरे भाइयों, राज्य कर्मचारी हैं और प्रमोशन चाहते हैं तो इस माह आपका, आपके अधिकारियों को आपका सपोर्ट मिलेगा और इस दिशा में कुछ आगे बढ़ेगी बात। कुछ तारीखें हैं जो कम अच्छी हैं, 1 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 19 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, ये तारीखें कुछ कम अच्छी हैं, तो सावधानी रखिएगा। बहनों भाइयों, आपकी राशि बहुत एनर्जेटिक राशि है, बस थोड़ा सा कुछ कमियां हैं, उन पे आप नियंत्रण रखें, फिर जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां आप हासिल कर सकते हैं जो शायद कोई दूसरा ना कर पाए। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, यही मेरी मंगलमयी कामना है। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ, एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।